नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। अर्जुन की मदर आप? जी, मैं अर्जुन विश्वास की मदर हूँ। हाँ जी मैम। कितने साल से पढ़ रहा है मैम आपका बच्चा यहाँ? जी, मेरा बेटा 3 ईयर का था, बिल्कुल प्ले से मेरा बेटा यहाँ पे है, तब से आज तक मैंने इसी स्कूल में ही रखा है बेटे को। आप मदर वर्कशॉप अटेंड करके आ रहे हो मैम अभी? जी। क्या कुछ सीखने को मिला आपको मदर वर्कशॉप से? देखिए सर, बीच बीच में मदर वर्कशॉप लगाते ही रहते हैं, बहुत कुछ वही जो आजकल जनरली मैं देखती हूँ ना, पड़ोस में और सारे में, मेरा बच्चा ये कर रहा है तो ये पढ़ाई। मैं बहुत परेशान होती थी पहले कि बच्चा अगर पढ़ता है तो क्या माँ को भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड जब हम मदर वर्कशॉप करते हैं या सारी चीज़ें करते हैं तो हमने यही सीखा कि बच्चे को प्रेशर नहीं देना, बच्चा हमारा सेल्फ डिपेंड है, अपने आप कर रहा है, इससे बढ़ के और हमें कुछ और चाहिए भी नहीं। क्या अर्जुन डेली अपना होमवर्क खुद करता है मैम या थोड़ी बहुत हेल्प करती है? डेफिनेटली, कई बार क्या होता है हम अगर बैठे हैं कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ और काम कर रही हूँ, वो अपना होमवर्क खुद मैनेज करता है। अगर वो बोलता है कि मामा अभी मैं थोड़ी देर खेलता हूँ बाद में करूँगा, तो हमने कभी उसको प्रेशर नहीं दिया, वो अपने आप बुक्स उठाता है, अपने आप करता है। कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती तो एक बार पूछ लेता है जी, और कोई चीज़ हमें भी नहीं समझ में आती तो हम खुद उसको बोल देते हैं कि आप अपनी मैम से इसको पूरा क्लियर करके आओ और मुझे भी बताओ ताकि आपसे मैं सीखूंगी। इसको मोटिवेट करते हो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा? मैं मैक्सिमम जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती तो मैं सीधा बोल देती, बेटा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी क्लास टीचर हैं या आपकी जो ये सब्जेक्ट जो पढ़ा रही हैं उस मैम से पूछो और खुद मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखाओ जी। और बताइए मैम विजडम स्कूल के बारे में। बस इतना कहना चाहूँगी कि जब मैंने अपने बच्चे के लिए स्कूल चॉइस करने के लिए एक आदि स्कूल में गई तो मुझे लगा कि बच्चा घर से घर में ही जा रहा है, तो मुझे एक स्कूल जैसा स्कूल दिखना पसंद आ रहा था कि स्कूल जैसा लगे, खुला एनवायरनमेंट हो, वहाँ की चीज़ें दिखे मुझे। तो जब से लेकर के आज तक मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि जो हमारे पिलानिया सर हैं या नीलम मैम है, जो प्रिंसिपल हैं दोनों ही, वो कभी भी उनके नज़र में हर बच्चे का वो रहता है कि ये मेरे स्कूल का बच्चा है। तो मुझे कभी भी जब हमें कोई दिक्कत आ रही है ना तो हम सीधा सर या मैम से भी अगर कोई चीज़ भी बात कर रहे हैं तो वो चीज़ मैनेज कर लेते हैं। हमें सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है कि बच्चा मेरे घर से आकर के, मेरा बेटा मेरे घर से आके एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के पास नहीं है, वो अपने दूसरे माँ बाप के पास है। स्कूल में भी घर जैसा माहौल मिल रहा है उनको, ऐसा लगता है कि उसका टीचर, उसका प्रिंसिपल उनके माँ बाप जैसे हैं, तो मुझे ये एनवायरनमेंट मिल रही है तो मुझे डेफिनेटली दिक्कत नहीं आती। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ कि यहाँ पे सबसे मेन डर ये लगता था ना कि वही सबको देखती थी, बच्चे के पीछे बैठ के पढ़ना, पढ़ाओ उसको, और फिर वही एक चीज़ और डर लगता था एग्ज़ाम के टाइम में तो पेरेंट्स का भी खाना पीना छूट जाता है। माओ को मैं देखती हूँ और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे अब तक भी बच्चे का, मेरे बेटे का सिलेबस क्या जा रहा है मुझे नहीं पता, उसको खुद पता है। मुझे खाली एक नज़र देखनी होती कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा उसको इंटरफेयर नहीं करती, वो छूट है उसको, सारी छूट है और वो अपने मैनेज कर रहा है अपनी तरह से कर रहा है। बच्चे खुद इंडिपेंडेंट है जी हाँ। वर्कशॉप में पहले भी आती थी ना तो सर बोलते थे कि बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है या बच्चा कोई पेपर खराब कर रहा है तो आप उसको टोको मत, तो हमें ये चीज़ भी लगा नहीं, ये चीज़ अच्छी है, बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है उसको ड्राइंग पसंद है तो सर वर्कशॉप में यही सिखाते थे कि आप उनके लिए पेजेस का बंडल ला के रख दो घर पे। तो मैं हमेशा ही, मेरे हस्बैंड हमेशा ही पेजेस का बंडल ला के घर पे रखते हैं, उसका मन करे निकालेगा, ड्राइंग करेगा, फिर कुछ बनाएगा, लगा रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ और बिजनेस है मेरा, तो नेचुरल सी बात है कि बहुत कम टाइम भी दे पाते हैं, लेकिन जितना दे पाते हैं ओवरऑल स्कूल को लेकर के हम सेटिस्फाइड हैं। ओके मैम, थैंक यू।